हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है पीएलसी है। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि पीएलसी में कौन कौन सा इक्विपमेंट होता है और उसका काम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आप लोग देख सकते हैं ये जो है पावर सप्लाई है। तो पावर सप्लाई जो होता है, क्या होता है कि जो हमारा एसी वोल्ट है उसको डीसी वोल्ट में चेंज करने के लिए यहाँ पे पीएलसी में जो है पावर सप्लाई जो है यूज हो रहा है। क्या हो रहा है? 220 को 24 वोल्ट डीसी में चेंज हो रहा है। यानी ये जितना भी आप लोग देख सकते हैं ये इक्विपमेंट लगा हुआ है, इसको सप्लाई यहाँ से दिया जा रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये पावर सप्लाई के बाद में जस्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सीपीयू है। वो सीपीयू क्या होता है? जो मेन इक्विपमेंट होता है पीएलसी का, वो सीपीयू होता है। इसको मेन ब्रेन कर सकते हैं, हार्ट कर सकते हैं। सीपीयू का जितना भी प्रोसेस जो हमारा पीएलसी का होता है वो कहाँ पे होता है? सीपीयू में होता है। कि जो हम लोग का जो प्रोग्रामिंग होता है वो किस हिसाब से, कौन सा इक्विपमेंट से कितना सिग्नल इनपुट मिल रहा है और उसको आउटपुट देना है, जो प्रोसेस होता है, जितना भी कमांड वगैरह जो होता है, ये मेन जो काम होता है, जो पूरा प्रोसेस को कंट्रोल क्या करता है, हमारा सीपीयू करता है। तो सीपीयू का आप लोग का काम पता चल गया होगा। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है नोड लगा हुआ है। ये जो है आप लोग देख सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग इंटरनेट केबल, इंटरनेट केबल आप लोग देख सकते हैं लगा हुआ है। तो ये कम्युनिकेशन का ये जो है हमारा मॉड्यूल है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं ये जो है कम्युनिकेशन का मॉड्यूल है। तो यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं इस रैक में लगा हुआ है। फिर जो है आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये जो है पावर सप्लाई, इस रैक के लिए अलग से पावर सप्लाई लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो कहीं कहीं पे क्या होता है कि हमारा जो सीपीयू होता है उसके जस्ट बाद में क्या होता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है क्या है, हमारा इंटरफेस मॉड्यूल है। तो यहाँ पे क्या है, ये कम्युनिकेशन मॉड्यूल लगा हुआ है और ये सब लगा हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अलग से पावर सप्लाई लगा है, फिर यहाँ पे इंटरफेस मॉड्यूल लगा हुआ है। यानी इंटरफेस मॉड्यूल क्या है, इसमें जितना भी आप लोग देख सकते हैं ये सिग्नल मॉड्यूल है, इनपुट आउटपुट डिवाइस का जो मॉड्यूल है, ये जितना भी हमारा फील्ड का इक्विपमेंट है वो पूरा इसी से कनेक्टेड है। तो जस्ट इंटरफेस मॉड्यूल यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है कम्युनिकेशन का केवल लगा हुआ है। यही कम्युनिकेशन का केवल है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लगा हुआ है इसमें कम्युनिकेशन का। तो इसमें क्या होता है, इंटरफेस मॉड्यूल का काम क्या है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक रैक में जितना भी इक्विपमेंट लगा हुआ है इसका जो इंटरफेसिंग होता है, कम्युनिकेशन होता है, ये जो भी इसमें प्रोसेस होता है इसमें आएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये रैक वाइज है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दो रैक है। तो इसमें से जितना भी प्रोसेस हो रहा है ये हमारा इंटरफेस में, तो इसी में से ये जो इंटरफेसिंग के लिए यूज किया जा रहा है। इसमें ये रैक जो है आप लोग देख सकते हैं रैक वाइज इंटरफेसिंग यहाँ पे हो रहा है। तो इंटरफेस मॉड्यूल का क्या है, इंटरफेसिंग के लिए, ये दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए ये यूज किया जा रहा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मॉड्यूल जो है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है। तो ये डिजिटल इनपुट का है, डिजिटल इनपुट का है, डिजिटल इनपुट का है, ये डिजिटल आउटपुट का है। ये जो है पूरा मॉड्यूल लगा हुआ है। तो ये जो है जो हमारा सिग्नल जो होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग सिग्नल मॉड्यूल को लगा सकते हैं, जितना जिसका रिक्वायरमेंट है उतना लगा सकते हैं। तो इसका मेन जो इक्विपमेंट है, आप लोग को ये पता चला होगा क्या क्या है, एक सीपीयू है, पावर सप्लाई है, और ये है इंटरफेस मॉड्यूल है, कम्युनिकेशन मॉड्यूल है, इनपुट आउटपुट यानी सिग्नल मॉड्यूल है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है पूरा, और ये यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफी बस जो है यूज किया जा रहा है इसमें कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कम्युनिकेशन का पूरा केवल जो है वो लगा हुआ है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है अलग से पावर सप्लाई यूज किया जा रहा है, 240 वोल्ट एसी को डीसी में 24 वोल्ट आप लोग देख सकते हैं कनेक्ट करके, ये जो है फील्ड में कुछ इक्विपमेंट जो लगा रहता है उसी को एनर्जाइज करने के लिए, उसी को ऑन करने के लिए लगा हुआ है। तो इसका मेन इक्विपमेंट यही है। फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यूज का टर्मिनल बॉक्स है और फील्ड का जितना भी केबल है आप लोग देख सकते हैं, जितना फील्ड का इक्विपमेंट होता है पूरा आके पहले फ्यूज का ये जो बोर्ड है, टर्मिनल बोर्ड, इसमें आके कनेक्ट होगा। फिर यहाँ से हमारा जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है इसमें जाके कनेक्ट हो जाएगा। इनपुट आउटपुट का जो केबल है आप लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे निकाल के देख सकते हैं, ये टैग वाइज लगा रहता है। तो ये जो है जैसा हमारा इसका कनेक्शन वगैरह जो होता है, कैसे होता है, जो है मॉड्यूल वाइज रहता है। इसमें डीआई का यूज होगा, इसमें डीआई का, जहाँ डीओ लगा है डीओ का, यानी जैसा जो हमारा केबल रहेगा, अगर डिजिटल इनपुट का रहेगा तो डिजिटल इनपुट में लगेगा, डिजिटल आउटपुट का रहेगा तो डिजिटल आउटपुट में लगेगा। तो डिजिटल आउटपुट और डिजिटल इनपुट क्या होता है, मैं ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो बनाया हूँ, तो उससे आप लोग पहचान सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल होता है, अगर आप लोग को डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट पता रहेगा तो आप लोग इसका कनेक्शन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को पता चला होगा कि पीएलसी में कौन कौन सा इक्विपमेंट होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पर पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।